प्रोला ऑल्टर्स 1.6X और ग्रैंडी एक्स देखने में तो सेम ही लगती हैं और लोगों को इनके मोटे मोटे डिफरेंसेस पता होते हैं, लेकिन इन डेप्थ डिफरेंसेस क्या हैं मैं बताता हूँ। एक तो ऑल्टर्स फॉग लैंप नहीं आते, इसके हेडलाइट हैलोजन में है, जबकि ग्रैंडी ये फॉग लैंप्स और हेडलाइट एलईडी में आती है। फिर इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है। एक और डिफरेंस यहाँ पे है, इसके साइड मिरर फोल्ड नहीं होते, जबकि ग्रैंडी के साइड मिरर ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड भी होते हैं लाइक दिस। फिर ग्रैंडी में सनरूफ आती है और क्रोला में नहीं आती। ग्रैंडी के विंडोज के आसपास क्रोम आता है और डोर हैंडल्स में भी, जबकि ऑल्टर्स में दोनों ही जगह क्रोम नहीं आता, प्लस इसमें सॉफ्ट लॉक भी नहीं आता। ग्रैंडी में सॉफ्ट लॉक आता है और बैक पे ग्रैंडी की ट्रंक को लॉक करने के लिए एक बटन आता है, जबकि ऑल्टर्स में बैक पे कोई बटन नहीं आता यहाँ पे। इसके अलावा बैक से गाड़ियां आइडेंटिकल हैं। फिर ग्रैंडी के इंटीरियर में ब्लैक कलर टोन ऑफर होती है और ये सीट्स हैं भी लेदर की फिनिश में, प्लस ग्रैंडी की रियर सीट्स फोल्ड भी होती हैं, जबकि ऑल्टर्स में कोई कलर ऑफर नहीं होता और इसकी सीट फैब्रिक की फिनिश में होती हैं, प्लस इसके रियर बेंचेस भी फिक्स ही हैं। ग्रैंडी में स्क्रीन बड़ी आती है, क्लाइमेट कंट्रोल आता है, पैडल शिफ्टर आते हैं, क्रूज कंट्रोल आता है और ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। और ऑल्टर्स में ये सारी चीजें नहीं आती। ये दोनों गाड़ियां किस मॉडल हैं? इसकी डिमांड 60 लाख है और इसकी 70 लाख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।